हेलो स्टूडेंट्स, 8th स्टैंडर्ड बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ से बाकी था हमारा 1.1 हमने लास्ट टाइम कर दिया था। और आपको रोज़ जब भी मेरा वीडियो आए तब आपको मुझे गुड मॉर्निंग लिख के देना है, तो आपको तो मुझे भी पता चले कौन कौन वीडियो देख रहा है, तो उसके हिसाब से आपकी अटेंडेंस रजिस्टर में होगी। ओके, तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Why पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन? तो पैडी विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं होती? पैडी रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में ही वो ग्रो होती है क्योंकि उसको बहुत सारा पानी चाहिए। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाई फार्मर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ चाहिए जो फार्मर के द्वारा की जाती है। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर। ये एक्टिविटी गार्डनर के द्वारा भी होती है, इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, राइट? ऑर्नामेंटल मतलब मनी प्लांट। मनी प्लांट जैसे कोई भी अच्छे प्लांट अगर हम अपने घर में उगाते हैं तो जो भी एक्टिविटी जो भी चीज़ें हम करते हैं तो ऐसे ही सारी चीज़ें फार्मर किसके लिए करता है? कल्टीवेशन के लिए करता है। दिस एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, विच आर लिस्टेड बिलो, जो नीचे दी गई है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग मतलब पहले सॉइल को प्रिपेयर करनी होती है, फिर सोइंग करना होता है, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, राइट? सोइंग करने के बाद हम क्या करते हैं? मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, इरीगेशन करते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो बेकार चीज़ें उसके आसपास में उग जाती है उसको उससे प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्लांट्स को, हार्वेस्टिंग, और लास्ट में क्या करते हैं? हम स्टोरेज करते हैं, राइट? तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो कोई भी क्रॉप उगाना है तो पहले क्या करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू ट्रूथ द सॉइल एंड लूजन इट। टर्थ इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, राइट? तो कोई भी क्रॉप हमें उगाना है तो सबसे पहले सॉइल को हम टर्न करेंगे और उसको लूज करेंगे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इन टू द सॉइल। क्योंकि सॉइल को हम टर्न करेंगे उसके वजह से रूट्स क्या करेंगे? रूट्स नीचे तक जाए सॉइल के अंदर, ऐसे एलो होते हैं। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीद ईजिली। लूज सॉइल होगी तो रूट्स ईजिली ब्रीद कर सकेंगे, इवन वेन दे गो डीप इन टू द सॉइल, राइट? जब भी वो बहुत ही नीचे जाएंगे सॉइल के अंदर तो भी उनको ईजिली ब्रीदिंग हो सकेगा। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीद ईजिली? तो लूजनिंग ऑफ सॉइल करेंगे तो क्यों ईजिली वो ब्रीदिंग कर सकेंगे? द लूजन सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। तो लूजन सॉइल होगी तो अर्थवर्म ईजिली ग्रो हो सकेंगे एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, बराबर? अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो है वो उनका ग्रोथ सॉइल के अंदर ईजिली होगा, राइट? अच्छे से होगा, ग्रोथ होगा। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड्स है, सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। क्योंकि वो वापस सॉइल को टर्न करते हैं और उसको लूजन करते हैं एंड एड ह्यूमस टू इट, और उसके अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्नेड एंड लूजन। तो भी सॉइल को टर्न करने की और लूज करने की क्या ज़रूरत है? वी यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेंस मिनरल्स। आपने आगे के क्लासेस में पढ़ा है कि सॉइल के अंदर मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज बाई सॉइल ऑर्गेनिजम्स। और डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डीकम्पोज होते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक। तो इस तरह से जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होते हैं वो सॉइल के अंदर वापस रिलीज होते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स है
डेड प्लांट्स के द्वारा, डेड ऑर्गेनिजम्स के, वो प्लांट्स के द्वारा वापस एब्जॉर्ब होते हैं. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, राइट, प्लांट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर जो सॉइल का है वही प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्प करता है. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, राइट, तो टॉप लेयर का फ्यू सेंटीमीटर ही प्लांट ग्रोथ, टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल को हेल्प करता है. ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, और वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को टॉप के टॉप तक ले आता है. सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से प्लांट्स ये न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं. दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो ऐसे टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल जो है वो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लाउइंग, राइट. तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे टीलिंग या तो प्लाउइंग. दिस इज टर्न बाय यूजिंग प्लाउ. प्लाउइंग जो है वो प्लाउ से होता है. प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. आप भी अपनी बुक में ये टिक अंडरलाइन कर देना, बराबर. जो मैं अंडरलाइन करूँ आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन करना, वो इम्पोर्टेंट है. प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. प्लाउ किससे बनते हैं? वुड या तो आयरन से बनते हैं. इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ही ड्राई है, सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग, तो उसको फिर वाटरिंग और प्लाउइंग की ज़रूरत पड़ेगी. द प्लाउड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प. प्लाउड फील्ड जो है उसके अंदर बड़े बड़े गट्ठे हो सकते हैं, क्लम्प हो सकते हैं ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, बराबर. जो बड़े बड़े गट्ठे होते हैं हम क्या बोलते हैं उसको? क्रम्स बोलते हैं. बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, राइट. इसीलिए हम प्लाउइंग करते हैं, तो ये जो बड़े बड़े गट्ठे हैं उसको तोड़ना ज़रूरी है. लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन. तो फील्ड का जो लेवलिंग करते हैं वो इरीगेशन और सोइंग के लिए ज़रूरी है. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. तो लेवलिंग ऑफ सॉइल किससे होता है? लेवलर से होता है, राइट. समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग. तो टीलिंग के पहले मैन्यूर ऐड करना पड़ता है जिससे प्लांट का ग्रोथ अच्छे से रहे. दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर. और प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल उसके अंदर ये हेल्प करता है, राइट. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद सॉइल, राइट. तो टीली प्लाउइंग उस वगैरह सब हम करेंगे तो मैन्यूर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा सॉइल के अंदर. तो प्लाउइंग करेंगे तो मैन्यूर सॉइल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा. द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग. और सॉइल सोइंग के पहले मॉइस्चर हो जाएगी. देन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके.